नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 11 नवंबर 2021 की ग्रह स्थिति देख लेते हैं। राहु वृषभ राशि में, सूर्य बुध मंगल ये तुला राशि में है और केतु इस समय वृश्चिक राशि में है, शुक्र धनु राशि में, शनि बृहस्पति और चंद्रमा मकर राशि में चल रहा है। दोनों अग्नि तत्व सूर्य और मंगल तुला राशि में है। इससे जो परस्पर संबंध हैं वो थोड़े से कलहकारी चल रहे हैं। बाकी राशिफल से समझते हैं। मेष राशि, अभी किसी भी तरीके की कोई नई व्यवसायिक स्थिति ना शुरू करें। कोर्ट कचहरी में फूक फूक के कदम रखें। पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें। आपको भी सीने में विकार हो सकता है और इस समय अगर किसी भी तरीके से जीवन साथी के साथ कोई मतभेद या किसी तरह की प्रॉब्लम कोर्ट कचहरी या कुछ भी चल रहा है तो बचा के चले, बचा के पार करें, अदरवाइज मुश्किल संभव है। संतान और प्रेम में भी कड़वाहट थोड़ी दिख रही है। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृषभ राशि, शत्रुओं पर आपका दबदबा पूरा कायम है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और व्यापार की स्थिति भी काफी अच्छी है, लेकिन अपमानित होने का भय बरकरार है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। काली जी को प्रणाम करते रहना आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ये समय सही नहीं है, थोड़ा ध्यान देकर के चलिए। अंतिम खराब समय है, फिर इसके बाद आप बिल्कुल बहुत बहुत जल्दी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इस समय आपके अष्टम भाव में गुरु, शनि और चंद्रमा अनहोनी की तरफ इशारा करते हैं। अभी थोड़ा खराब समय है, बच के पार करिए। स्वास्थ्य और व्यापार ये दोनों ही ठीक नहीं है। संतान और प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है। पीली वस्तु का दान करना और शनिदेव को प्रणाम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, घरेलू जीवन इस समय बाधित रहेगा, घरेलू सुख बाधित रहेगा, भौतिक सुख संपदा में किसी न किसी तरीके की कोई परेशानी बनी रहे, वहां के स्वास्थ्य में भी दिक्कत है, घर का तापमान थोड़ा बढ़ा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, कोई नई रोजगार अभी शुरुआत ना करिए। एक मध्यम समय आपके लिए दिख रहा है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें, उनका जलाभिषेक करें, अच्छा होगा। सिंह राशि, पराक्रमी बने हुए हैं, बिल्कुल बड़ी ताकत आपके अंदर आ गई है, व्यवसायिक ताकत खासकर। शत्रुओं पर दबदबा आपका कायम है, प्रेम और व्यापार की स्थिति भी पहले से काफी बेहतर है। थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे लेकिन सारी चीजें आपके पक्ष में। सूर्य को जल देते हैं। कन्या राशि, मन परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा के तरफ आप ज्यादा सोच रहे हैं और अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, डिस्टर्बिंग फेज ये कहा जाएगा। स्वास्थ्य ठीक है बट प्रेम व्यापार संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, थोड़ा ध्यान दें। शनिदेव को प्रणाम करते हैं। तुला राशि, उद्विग्नता है, इरिटेशन बढ़ी हुई है, क्रोध बढ़ा हुआ है, मन मस्तिष्क साथ नहीं दे रहा है, संतान को लेकर भी थोड़ा मन परेशान है। व्यापार धीरे धीरे ठीक हो जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहे। वृश्चिक राशि, पराक्रम रंग लाएगा, सरकारी तंत्र से लाभ हो रहा है, भाइयों बहनों मित्रों सबके साथ की वजह से व्यापारिक लाभ ले रहे हैं, प्रेम और संतान की भी स्थिति अच्छी है, एक अच्छा समय कहा जाएगा। सूर्य को जल देते रहे। धनु राशि, जुबान पे कंट्रोल रखें और निवेश बिल्कुल ना करें, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा ना लगाएं, किसी को लेन देन किसी के साथ नहीं करें, अदरवाइज पैसा डूब जाएगा। स्वास्थ्य ठीक है बट मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम और व्यापार की स्थिति आपकी काफी अच्छी चल रही है। सूर्य को जल देते रहे। मकर राशि,
उतार चढ़ाव जीवन में इस समय बना रहेगा। बहुत जल्द निराशा का भाव, फिर उससे उबरते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर निराशा का भाव, ये चलता रहे। स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम और व्यापार अभी नरम गरम ही रहेगा, बहुत खराब नहीं है, बहुत जल्द आप अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। काली जी को प्रणाम करते हैं। कुंभ राशि, ओवरथिंकिंग के शिकार होंगे, अत्यधिक सोचेंगे किसी चीज के बारे में और निगेटिव सोचेंगे, जिससे मन परेशान रहेगा, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, व्यापार और प्रेम सही रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, यात्रा थोड़ी कठिन होगी, प्रेम मध्यम रहेगा, व्यापार पहले से बेहतर रहेगा। शिव जी को प्रणाम करते रहे। नमस्कार।